हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान। वेलकम टू मूवी शूवी एक्सप्रेस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भूल भुलैया किस तरीके से बहुत बढ़िया चल रही है। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा फिर से नहीं रखेंगे और डे 11 की जो कलेक्शन है उसको क्लस्टर करके हम बताएंगे कि मेजर का क्या परिणाम निकला, पृथ्वीराज का क्या है और विक्रम और कितने छक्के मार रही है, तो उसके बारे में डिस्कशन होगी। पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज डे 11 के अंदर 1.1 करोड़ करा है और 63 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका बिजनेस कल था, तो एड अप हो गया 64.41 के आसपास और 65 के आसपास इसका हो गया क्रॉस लेवल पे 80 करोड़ रुपए। ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्रॉस कर चुकी है, 82 इनफैक्ट हो चुका है। सिर्फ नाम के लिए इसको मेरे ख्याल से थिएटर्स के अंदर रखा हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें होंगी YRF के साथ उस वजह से रखा हुआ है, अदरवाइज़ ये मूवी अपना रन कर चुकी है और बहुत ही जल्दी Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर आ जाएगी, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो अपने मूवी शूवी चैनल के ऊपर बना चुका हूँ। उसके बाद मेजर का भी बहुत मेजर ड्रॉप आया है, आई थिंक इसने भी अपना रन पूरा कर लिया। 11th डे पे सिर्फ 70 लाख रुपीज़ का बिजनेस ऐड हुआ है 36 नेट में, जो कि कल इसने क्लोज किया था, अब हो गया 36.7 और जो आपका ग्रॉस कलेक्शन है वो है 44 करोड़। 50 करोड़ ये शायद नहीं क्रॉस कर पाएगा, बट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसकी करीबन 56 करोड़ रुपीज़ हो चुकी है। मेरे ख्याल से घिसट घिसट के करीबन 50-1 लाख रुपये 70 लाख रुपये की एवरेज पे मेजर और पृथ्वीराज करीबन 1 करोड़ की एवरेज पे नेक्स्ट फ्राइडे तक चलेंगी और उसके बाद ये थिएटर से उतर जाएंगी। बट जो मूवी चलने वाली है और चलते ही रहने वाली है वो है विक्रम, और जिसको लेके अब और ज़्यादा थ्योरीज बनने लग गई हैं कि कैथी 2 में क्या होने वाला है, विक्रम 3 में क्या होने वाला है, इनका क्रॉस लिंकेज क्या होगा, विक्रम 3 पहले आएगी, कैथी 2 पहले आएगी, फिर रोलेक्स भैया के ऊपर क्या स्टैंड अलोन मूवी बनने वाली है कि नहीं बनने वाली है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो वीडियो आएगा मेरे मूवी शूवी चैनल के ऊपर, तो उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बहरहाल 5 से 5.5 करोड़ रुपए का बिजनेस इसने 11th डे के ऊपर किया, तो 182 करोड़ पे कल इसने एंड किया था, अब हो गया 187.2 करोड़, 200 करोड़ जल्दी क्रॉस होने वाले नेट पे, लेकिन ग्रॉस लेवल पे 217 ऑलरेडी हो चुका है, डबल सेंचुरी मार चुकी है और 318 जी हाँ 318 हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, तो काफ़ी बड़ा कलेक्शन, ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए का टचिंग कलेक्शन इसका फॉरेन मार्केट से आया है, ओवरसीज से आया है, तो बहुत ही मैसिव ये हिट है, ज़बरदस्त तरीके की कलेक्शन हुई है। जिस किसी ने भी इसको डाउट किया था वो सब लोग मुंह बना के बैठे हुए, ओनली सरप्राइज एलिमेंट स्टिल रिमेन्स विच इज़ द हिंदी बेल्ट, अभी भी करीबन 5 करोड़ रुपये की ही कलेक्शन हुई है हिंदी बेल्ट के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं हो पाई है। शोज़ भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पूरे बड़े नहीं हैं लेकिन बढ़ने शुरू हो चुके हैं, तो होपफुली इन कमिंग डेज ये और बेटर रिजल्ट्स लेके आएगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, जो रिलीजेज अभी लास्ट फ्राइडे के अंदर हुई हैं 3-4, तो अब थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो के लिए भी आप बने रहिए। बाय बाय।